प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है पढ़ रहे थे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में यहाँ पे आज के सेशंस में मैं बात करने वाला हूँ। हम लोग आज का टॉपिक बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल अराइवल, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल अराइवल के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो अराइवल होता है व्हीकल का एट ए पार्टिकुलर सेक्शंस ऑफ रोड, वो कंसीडर किया जाता है टू फॉलो पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए तो जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग एन यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि अराइव होता है विद इन टाइम इंटरवल जो कि टी सेकेंड में होता है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं पी एन टी इज इक्वल टू वाई टी के पावर एन इंटू ई के पावर माइनस वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, है ना, एन फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वाई जो है ये व्हीकल व्हीकल अराइवल होता है ना, व्हीकल अराइवल रेट, ठीक है। और टी जो है टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल और टाइम हेडवे भी कह सकते हैं। एंड एन जो है ये नंबर ऑफ व्हीकल है, नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है आपका हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल जो होता है वो इस फॉर्मूला से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन लिख सकते हो या रेफरेंस पॉइंट कि अराइवल of vehicle at a particular section, at a particular section of road is considered to follow, considered to follow Poisson's Poisson's distribution, ठीक है, Poisson distribution, ओके। तो यहाँ पे केस वन हम लोग लेकर चलते हैं। तो केस वन हमारा कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट व्हीकल विल अराइव आफ्टर टाइम टी, है ना। तो देखो, ये मान लो कि हमारा कैपिटल टी जो है ग्रेटर है स्मॉल टी से, तो यहाँ पे मान लो कि इनिशियल टाइम है जीरो, है ना, और यहाँ से यहाँ तक व्हीकल जा रहा है और नंबर ऑफ व्हीकल जो है जीरो है, कब तक, यहाँ पे स्मॉल टी तक। लेकिन ये कैपिटल टी जो है यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट व्हीकल विल अराइव आफ्टर टाइम टी वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि एन जीरो है तो ये हमारा पूरा जीरो आ जाएगा, है ना। तो केस टू कहता है कि प्रोबेबिलिटी
probability that vehicle arrive within time t, है ना, within time t। तो यहाँ पे जो probability हो जाएगा p is equal to 1 minus e के power minus y into t। ये formula जो है हमारा हो जाएगा for calculating probability। okay, now ये दो केस था आपका। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रैफिक स्पीड स्टडी, है ना। ट्रैफिक स्पीड स्टडीज, तो जो ट्रैफिक स्पीड स्टडीज होता है ये क्या कहता है कि जो स्पीड होता है व्हीकल का, अलग अलग व्हीकल का ओवर ए पार्टिकुलर रूट, वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, है ना, इसके अलावा ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टाइम ऑफ ट्रेवल, ट्रैफिक वॉल्यूम, पर्पस ऑफ ट्रेवल। तो इन तमाम पॉइंट के बेसिस पे हमारा जो ट्रैफिक स्टडी होता है, हमने ट्रैफिक का जो स्पीड स्टडीज होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट अभी मैंने बताया उसको मैं नोट डाउन करवा देता हूं। तो यहां पे लिखिए द स्पीड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स ओवर अ पार्टिकुलर रूट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन सा है, तो पहला है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, दूसरा है ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है आपका क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डी टाइम ऑफ ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, ई ट्रैफिक वॉल्यूम एंड एफ पर्पस ऑफ ट्रेवल। तो इन तमाम छह फैक्टर्स के बेसिस पे हमारा डिपेंड करता है कि किसी भी व्हीकल का स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखेंगे स्पोर्ट स्पीड। ये स्पोर्ट स्पीड क्या होता है, तो स्पोर्ट स्पीड जो है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ऑफ व्हीकल एट ए स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शंस, या किसी भी एक लोकेशन पे जो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड्स होता है उसी को जो है क्या कहा जाता है, स्पोर्ट स्पीड कहा जाता है। जो स्पोर्ट स्पीड होता है व्हीकल का वो फ्लैक्चुएट करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेस पे जो स्पोर्ट स्पीड होता है वो आपका चेंज करता है ऑल अलोंग द रूट्स डिपेंडिंग अपॉन द एवर फैक्टर। जो ऊपर फैक्टर्स थे हमारा डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ऊपर जो छह फैक्टर्स मैंने बताया उन तमाम फैक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग
जगह पे, है ना, यानी अलग अलग प्लेसेस पे हमारा जो स्पीड होता है, स्पोर्ट स्पीड जो होता है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं कि स्पोर्ट स्पीड क्या होता है। तो इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल एट ए स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शन और लोकेशन। ठीक है, द स्पोर्ट स्पीड, द स्पोर्ट स्पीड ऑफ ए व्हीकल फ्लक्चुएट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल अलोंग द रूट्स डिपेंडिंग ऑन द एबव फैक्टर्स। जो ऊपर फैक्टर्स बताए जिसमें आप यहाँ पे सच एज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है आपके हो जाएगा। दूसरा, ये तो पहला था, है ना, दूसरा आप यहाँ पे लिखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि जो स्पोर्ट स्पीड होता है वो उसका एवरेज जो भी व्हीकल्स पास कर रहे हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ हाईवे पे, तो उस स्पीड को जो है एवरेज स्पीड कहेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल था ए जो कि स्पीड चलता है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक पार्टिकल बी है जो कि आपका चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, और एक पार्टिकल सी है जो कि ट्रेवल कर रहा है आपका मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा, है ना, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स या ऑल व्हीकल कितना हो जाएगा, तो 50 30 90 90 9 3 12 यानी 120 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। यानी एवरेज स्पीड इज द स्पोर्ट स्पीड ऑफ ऑल द व्हीकल पासिंग ऑन ए पॉइंट ऑफ ए हाईवे, है ना हाईवे के किसी भी पॉइंट से कितना स्पीड के साथ व्हीकल, कितने व्हीकल पास कर रहे हैं और कितना स्पीड के साथ पास कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे और उसको तीन जितना था उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा कि ऑल पार्टिकल्स का एवरेज स्पीड ये है, है ना। एट ए पॉइंट, है ना, किसी भी एक पॉइंट के या किसी एक सेक्शंस पे, है ना, किसी एक सेक्शन पे लेकर चलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप इन द फॉर्म ऑफ टर्म अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि it is the average of a sport speed of all the vehicles
passing a given point on highway, given point on highway. Okay, नेक्स्ट है आपका रनिंग स्पीड. रनिंग स्पीड, तो रनिंग स्पीड जो है ये एवरेज स्पीड होता है जो कि मेंटेन किया जाता है व्हीकल के द्वारा ओवर ए पार्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड व्हाइल द व्हीकल इज इन मोशन, है ना. तो वो हमें जो है रनिंग स्पीड कहलाता है. तो रनिंग स्पीड, रनिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है जर्नी, रनिंग स्पीड इज इक्वल टू जर्नी लेंथ, जर्नी जर्नी लेंथ डिवाइडेड बाय रनिंग लेंथ, रनिंग लेंथ, है ना. जो रनिंग स्पीड होता है ये जर्नी लेंथ बाय रनिंग टाइम, है ना, रनिंग टाइम, रनिंग टाइम, ठीक है. और यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो रनिंग टाइम है इसमें जर्नी टाइम माइनस डिले. मान लो कि ये पार्टिकल ए था और ये पॉइंट ए था और ये गाड़ी यहाँ से जो है चलना स्टार्ट किया और ये पार्टिकल बी पे यहाँ पे जो है जाकर पहुंचा, है ना, ए से चला बी पर पहुंचा. लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट था सी, है ना. यहाँ पे ये पैसेंजर लेने के लिए या फिर किसी दोस्त से मिलने के लिए क्या क्या रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा टाइम जो है लगा 35 मिनट, ठीक है. और ये रुका कितना, तो डिले मान कर चलो कि डिले हुआ इसका 5 मिनट, है ना, 5 मिनट ये रुका. तो 5 मिनट जब ये रुका, टोटल जर्नी टाइम था ये, तो 35 में से 5 घंटे आ जाएंगे तो 30. तो जो रनिंग टाइम है ना, रनिंग टाइम, तो जो रनिंग टाइम है ये आपका हो जाएगा 35 माइनस 5, यानी 30 मिनट, है ना. तो यहाँ पे रनिंग स्पीड इज इक्वल टू जर्नी लेंथ. यहाँ पे मान लो कि डिस्टेंस ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो ये 30 हो गया, ये 80 हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को डिवाइड करते हैं तो 80 डिवाइडेड बाय 30, है ना, 80 डिवाइडेड बाय 30 इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 के आसपास आएगा, है ना, 2.66 आ रहा है, 2.66 जो है ये आ रहा है. तो ये जो एवरेज रनिंग स्पीड है वो आपका 2.66 किलोमीटर पर आवर आपका मानकर चलो कि आ रहा है. क्या ये सही है? तो नहीं भाई, ये गलत है. क्यों गलत है? वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है वो मिनट में है, है ना. तो हम क्या करेंगे कि ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में है, है ना. अगर ये मिनट ना रहकर आवर रहता, है ना, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर देंगे और ऊपर में भी सेकंड में चेंज कर देंगे और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तब इसका सही आंसर आएगा. तो ये कैलकुलेट करिएगा, आपका खुद का ये होमवर्क रहा, ठीक है, खुद से आप कीजिएगा. मैं बता दिया कि कैसे करना है, बट अब आगे जो है आपको खुद से करना होगा. ओके, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे रनिंग टाइम, रनिंग स्पीड हो गया. देन आपका आता है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, वो है ट्रैवल स्पीड. ट्रैवल स्पीड, तो ट्रैवल स्पीड क्या होता है? ट्रैवल स्पीड ये एवरेज स्पीड होता है ऑफ व्हीकल
फॉर ए मतलब व्हीकल का ओवर अ पार्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड फॉर इंटायर ट्रेवल टाइम, है ना, यानी जर्नी लेंथ डिवाइडेड बाई जर्नी टाइम। यानी यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेवल स्पीड जो है हो गया। तो जो ट्रैफिक स्पीड स्टडीज होते हैं वो हम लोग जनरली दो तरीके का ट्रैफिक स्पीड एनालिसिस होता है, है ना। तो ट्रैफिक स्पीड स्टडीज इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है आपका स्पोर्ट स्पीड स्टडीज और दूसरा होता है स्पीड एंड डिले स्टडीज। ठीक है, ये दो तरीके का स्पीड स्टडीज होता है। तो स्पोर्ट स्पीड अभी मैंने बताया, क्या बताया स्पोर्ट स्पीड, कि वो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है व्हीकल का एट ए स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शन पे, है ना, वो प्लेस टू प्लेस वो वेरी करता है, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्ट स्पीड कहते हैं। तो स्पोर्ट स्पीड स्टडीज जो है ये इसमें हम लोग मेजर करते हैं स्पोर्ट स्पीड को। तो स्पोर्ट स्पीड को मेजर करने का कई सारे तरीकाएं होती हैं, तो उन तरीकाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे स्पीड स्टडीज। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट स्पीड स्टडीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो मेथड अगर यहाँ पे बात करें, मेथड्स फॉर मेजरमेंट, तो पहला है बाय नोटिंग द टाइम, बाय नोटिंग द टाइम बाय व्हीकल टू ट्रेवल a known distance of 15 or 30 meter either manually or mechanically, जिसको हम लोग जो है automatically भी कहते हैं, automatically। तो ये methods होते हैं। तो speed का formula क्या होता है, तो speed का formula होता है distance by time, है ना, speed का formula होता है distance by time, है ना। यूनिट अगर बात किया जाए, यूनिट तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अलग अलग यूनिट्स आपके होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट के लिए है। दूसरा पॉइंट, स्पोर्ट स्पीड कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद
द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट। कौन कौन से वो इक्विपमेंट है? तो फर्स्ट इक्विपमेंट है आपका ग्राफिक रिकॉर्डर, ग्राफिक रिकॉर्डर। दूसरा इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मीटर। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रॉनिक फोटो इलेक्ट्रॉनिक मीटर। तीसरा फोटो ग्राफिक मीटर, रडार स्पीड मीटर एंड इनोस्कोप। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट हैं जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट स्पीड को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? स्पोर्ट स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, स्पोर्ट स्पीड स्टडीज, जो स्पोर्ट स्पीड स्टडीज होता है are being carried out for following purposes। कौन कौन से purposes होती हैं? तो सबसे पहला purpose है for planning of traffic regulations। दूसरा design or redesign of geometric elements। तीसरा in accident studies and preventive measures। चौथा to find the speed trend, to find the speed trend over the period of टाइम। तो ये चार पर्पस हैं जिसके लिए जो है स्पोर्ट स्पीड का जो है हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी स्पोर्ट स्पीड जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पोर्ट स्पीड दैट इज ओवर ए ओवर ए पार्टिकुलर 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 स्ट्रेच ऑफ रोड और बाय इक्विपमेंट बाय इक्विपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड। क्या हेलो तो डिपेंडिंग ऑन द मेथड, जो भी मेथड हम लोग स्पोर्ट स्पीड का कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पे अलग अलग इक्विपमेंट के बेसिस यूज करके एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड का, तो कई सारे अलग अलग एवरेज स्पीड जो है कैलकुलेट होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला है आपका स्पेस मीन स्पीड, है ना, स्पेस मीन स्पीड। तो जो स्पेस मीन स्पीड होता है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्पीड ओवर लेंथ ऑफ एनी टाइम, दिस स्पीड फ्रॉम द ऑब्जर्व डाटा टाइम या जो ऑब्जर्व ट्रेवल टाइम है ऑफ अ व्हीकल ओवर अ स्ट्रेच रोड उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है वी एस इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री प्लस डॉट 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 वन बाई वी एन। तो ये मेथड जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और इसके मदद से कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी आई इज इक्वल टू डी वाई टी आई, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।